अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मची है सभी देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वहीं इस मामले को लेकर अब भारत में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है जिसके चलते मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं तो किसने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर भारत की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है ऑल इंडिया मजलिस ए इतिहादुल मुस्लिम ए के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है और अफगानिस्तान में तालिबान के विस्तार को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में नौ में से एक बच्ची की मृत्यु पाँच वर्ष की आयु से पहले हो जाती है यहाँ महिलाओं पर अत्याचार और अपराध होते हैं लेकिन वे चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्या यह, यह, यह नहीं हो रहा है अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है विशेषज्ञ कह रहे हैं की अलकायदा और दाइश अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में पहुँच चुके हैं आई भारत का दुश्मन है आपको याद होगा कि आईएसआई का तालिबान पर नियंत्रण है वो इसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है ओवैसी के इस बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है ओवैसी ने सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है लेकिन मोदी को इसकी चिंता नहीं है बल्कि उसकी चिंता है जो अफगानिस्तान में हो रहा है इससे पहले भी ओवैसी अफगानिस्तान मामले को लेकर हल्ला बोल चुके हैं दो दिन पहले ओवैसी ने ट्वीट के जरिए दो के उस ट्वीट का जिक्र किया था जिसमे तालिबान के साथ संबंध स्थापित करने की बात कही थी हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीर उ वर्ग के खिलाफ तालिबान के समर्थन में बयान देने का मामला दर्ज कराया गया है उन्होंने कहा था कि तालिबान एक ताकत है और उसने अफगानिस्तान में अमेरिका के पाओ जमने नहीं दिए अफगानिस्तान पर अमेरिका ने कब्जा कर रखा था लेकिन अफगान आजाद रहना चाहते है वह अपने देश को आजाद कराना चाहते है यह उनका व्यक्तिगत मामला है इसमें हम क्या दखल देंगे